ऐसे में मक्के के कुफार ने एक मशवरा किया, हजरत जनाब अबू तालिब के पास गए। अबू तालिब से कहा, अबू तालिब मोहम्मद जो मिशन आगे लेके चल रहे हैं उनसे कह दो कि वो रोक दे, और अगर वो नहीं रुकते तो हम एक मशवरा लेकर के आए हैं कि हम एक जवान आपको दे देते हैं मोहम्मद के बदले में, और तुम मोहम्मद को हमें दे दो। हजरत अबू तालिब कहते, बहुत अच्छी बात मक्के की तुमने कही, देखिए सीरत की तमाम किताबों में हजरत अबू तालिब लिखा हुआ है, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैंने उनको न रज़ी अल्लाहु अन्हु कहा है और ना कोई दुआया कलमा कहे। हमारे अकाबरीन जो है वो उनके लिए इस तरह के एहतराम के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। खुद सैयद आला हजरत रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने भी जब जय वो जो रिसाला लिखा है, अगर वो रिसाला मौजूद है तो अभी लाया जाए, मैं आपको बताऊंगा कि इमाम अहले सुन्नत ने भी उनके ईमान पर गुफ्तगू करते हुए जो है उनको यानी अच्छे अल्फाज से याद किया है। अच्छे अल्फाज से याद किया ये कह रहा हूँ, देखिए आपका जो मौकिफ है हजरत वो आपके नजदीक है, नहीं देखिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, नहीं इस तरह से टोकना जो है वो तकरीर को बीच में खलल पैदा करना है। हालात से गुजर रहे हैं, हैरत की बात यह है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अभी हम इसी पे लड़ रहे हैं कि अबू तालिब को हजरत भी कहना चाहिए और नहीं कहना चाहिए, क्या हालात हो गए। मैंने कोई उनके ईमान का तस्करा तो नहीं किया, मैंने कोई मौके तो बयान नहीं किया। एक बार गुरु शरीफ पढ़ लिया आला सैयदिना मौलाना मुहम्मद माजिद जुदी अल कबाली इकराम अली सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाम का ज़हन साफ हो जाए इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जो रिसाला आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है वो रिसाला मंगाया जाए, और उसमें आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला ने ईमान पर बहस करते हुए जो है आला हजरत ने हजरत अबू तालिब को खैर के साथ याद किया है। और हमारे बुजुर्गों का ये कहना है कि जब भी जिक्र अबू तालिब किया जाए, आपका मौकिफ कुछ भी हो, कुछ भी आपका मौकिफ हो, लेकिन कम से कम हजरत अबू तालिब को खैर के साथ याद किया जाए। क्यों? इसलिए कि जिसने अपनी औलाद से ज्यादा मेरे रसूल से मोहब्बत की हो वो अबू तालिब है। उलमा के मौकिफ की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला खुतबा निकाह पढ़ने वाला कोई और न था, वो जनाब अबू तालिब थे। आपको पता है जब शाबे अबी तालिब में, जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, शाबे अबी तालिब में हजरत अली भी कैद थे, जाकर तैयार भी कैद थे, अबू तालिब खुद भी कैद थे। जिस वक्त रात को हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम को अबू तालिब जान सुनाते, जब आधी रात हो जाती तो हुजूर को चुपके से उठाते और हुजूर की जगह मौला अली को सुनाते, और उसके बाद कभी हुजूर की जगह जाफर तैयार को सुनाते और जाफर की जगह हुजूर को सुनाते। एक दिन हुजूर ने पूछा, चचा तू ये रात को जगह क्यों बदलता है? तो हजरत अबू तालिब कहते हैं, मुझे डर लगता है
हम अल्हम्दुलिल्लाह कौशिक पाक रजी अल्लाह तआला के गुलाम जो है वो उस खानदान के गुलाम है। मौला अली की औलाद है कोई माने ना माने, अरे तुम अपने पापों का जिक्र करते हो तो खास करते हो और अली के पाप का जिक्र मैं यूं ही कर दूं। जानते हैं आप हम एक नहीं हजारों दलीलें पेश कर सकते हैं। सैयदी आला हजरत के उस्ताद क्या कहते थे, आला हजरत के वालिद क्या कहते थे, हम सारी बातें याद रख सकते हैं। लेकिन हम तो बेदारी उम्मत बात करने के लिए आए, उम्मत को बेदार करने के लिए आए। ये तरीका कोई अच्छा नहीं है। मेजबानों के साथ वो भी किसी सैयद मेजबान मेहमान के साथ ये अंदाज में कभी रवा नहीं समझता। क्या यही तरीका है जोधपुर वालों? बेशक हम इसको बर्दाश्त करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला हबीबिक व आलिही व असहाबिही अजमईन सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जिस शख्स ने ये बात कही है, यहाँ के बड़े उलमा को इज्तिमा के बाद बिठाया जाए, उनको और मुझे दोनों को बिठाया जाए, मैं ये साबित न कर दूं कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने अदब के साथ अबू तालिब का जिक्र किया है। मैं